नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित विषय और आप देख रहे हैं युगवाणी टाइम्स। फिल्म रिलीज होने वाली है दादा लक्ष्मी और फिल्म की स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद आई, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बताइए मैडम, अपने करेक्टर के बारे में बताइए, दादा लक्ष्मी में आप किस करेक्टर में नजर आ रही हैं? जी, मेरा दादा लक्ष्मी की वाइफ का करेक्टर है, भरपाई नाम है उनका, और बहुत ही कमाल का एक उस महिला का किरदार है जिनके पति जो है संगीत को समर्पित रहे, लेकिन वो स्वयं जो है एक आम गृहिणी हैं, उस किरदार को इसमें निभाया गया। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी इस किरदार के लिए? मेरा ये मानना है कि हरियाणा की जो महिलाएं हैं जिन्होंने नज़दीक से उस परिवेश को देखा है, हमने अपनी चाची ताई दादी सबको देखा है, तो मेहनत नहीं लगती, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ की पृष्ठभूमि की महिलाएं किस तरह से उस दौर को जीती रही हैं, किस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा है। तो मेरे लिए इसलिए आसान रहा क्योंकि वो परिवार में सब मैंने उसी तरह की स्थितियाँ देखी हैं। यशपाल शर्मा जी के साथ काम करके कैसा ये तो निश्चित तौर पर अविस्मरणीय अनुभव है, और ये किसी के भी लिए जो है स्वप्न के साकार होने जैसा है, क्योंकि आदरणीय यशपाल शर्मा सर का व्यक्तित्व कृतित्व इतना बड़ा है, और उनके साथ मतलब भूमिका में आना यकीनी तौर पर बहुत बड़ी बात है। मैडम आप भी बताइए कैसा रहा फिल्म का से जुड़ना? फिल्म का अनुभव बहुत अच्छा रहा, और फिल्म से जुड़ने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला, और फिल्म के दौरान जो हमारी प्रीवियस लाइफ रहती है, जो ज़िंदगी है, वो काफ़ी काम आई फिल्म के समय पर, क्योंकि एक इंटरेक्शन जो हम करते हैं, बाहर निकलते हैं लोगों के साथ में, तो वो बहुत ज़्यादा काम आया, इसी वजह से इस टीम का हिस्सा रही मैं। और सबसे ज़्यादा जो मैं भावुक हुई, पहली बार ये हमने शूट किया, इसमें जो हमारे जो अभी तक मैं कहना चाह रही थी बहुत देर से, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं आदरणीय यशपाल शर्मा साहब, उन्होंने एक एक सीन एक एक एक्टर को बताने की बजाय कर करके दिखाया, और यहाँ तक के स्पॉट बॉयज़ के काम तक भी उन्होंने उनको कर करके बताए कि ये चीज़ का ऐसे ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे नए आते हैं, सो छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक को हर एक को एक एक चीज़ में उन्हें देख देख के सब कुछ किया गया। सर आप भी बताइए अपनी भूमिका के बारे में, और आपने कितना आज की जनरेशन को दादा लक्ष्मी जी के बारे में बताया? शुरुआत आगाज़ ही इन्हीं से हुआ। हाँ, शुरुआत देखो, ये बेटियां ही हैं मेरी और आत्मा है हमारी फिल्म की, ये मैं सदके हूँ इन लोगों के 48 डिग्री सेंटीग्रेड में और इतनी गर्मी में और गांव में, जबकि इनके रिहाइश जो है सब शहरों में हैं, और ये गांव में किस तरह से रही हैं महीनों तक और कितनी मेहनत की है, तो यही सब रीज़न है जिसकी वजह से एक महान सपना साकार होने जा रहा है। और बाकी यूथ को तो मैं यही दूंगा कि भाई जो जितना अब बहकते जा रहे हैं वो थोड़ा सा अपने आप को रोकें, मॉडर्न कल्चर या वेस्टर्नाइज कल्चर की तरफ जैसे वो बहकते जा रहे हैं। ये फिल्म जो है, मैं एक कोटेशन यहाँ कहना चाहूँगा कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप शिद्दत से मेहनत करते हैं तो एक दिन मिलती ज़रूर है, ये हकीकत है। ये यशपाल भाई ने प्रूव करके दिखाया है, 5-6 साल तक लाखों का उन्होंने घाटा सहा है, इतनी फिल्में ठुकराई हैं तो, और टाइम निकाला है, 4-5 साल इस फिल्म को दिए हैं उन्होंने तो, और अब वो कामयाबी हम देखने को मिल ही रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और आपकी फिल्म के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे साथ मौजूद थी दादा लक्ष्मी की स्टार कास्ट, देखते रहें युगवाणी टाइम्स। थैंक यू सो मच।